लाल रंग। आज एक और लड़की जवानी की सीढ़ी चढ़ रही है। आज एक और लड़की अपनी जवानी की सीढ़ी चढ़ रही है। उसका पहला मासिक आया और उसकी माँ ने कहा कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें ज्यादा उछलना कूदना घूमना फिरना शोभा नहीं देता, अब तुम्हें अपनी हद में रहना पड़ेगा। अब लड़की का मासिक आया और वो कैद हो गई। दर्द से चिल्ला रही थी, कपड़े लाल थे, शरीर की अकड़न से चल भी नहीं पा रही थी। वो लाल रंग उसको उसकी जवानी का एहसास दिला रहा था। ये लाल रंग जो हर महीने एक लड़की को लड़की होने का सबब देता है, ये लाल रंग उसके कपड़ों पर लग जाए तो बदनामी का कारण बनता है। ये वही लाल रंग है जो एक छोटी सी बच्ची को उसके औरत होने का एहसास हमेशा दिलाता रहता है, और ये वही लाल रंग है जो उसके चरित्र के बारे में भी बताता है। वो 13 साल की थी और स्कूल के सफेद कपड़ों में वो लाल रंग दिखा। किसी ने देखकर कहा कि ये क्या है। उस लाल रंग से अनजान वो लड़की बोली कि मुझे नहीं पता, शायद कहीं से चोट लग गई होगी, और कहकर वहां से चली गई। स्कूल के सारे बच्चों के बीच में मजाक बनकर रह गई और ये हुआ उस लाल रंग की वजह से। हो जाएंगे पापड़ लाल हो जाएंगे, मटका छूगी तो वो साफ नहीं रहेगा। बेटा अलग से सोने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं ये बीमारी किसी और को ना लग जाए। दर्द सहो थोड़ा, दवा मत लो, हमने भी तो सहा है। थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के बाद आदत हो जाएगी। हमेशा की तरह कहीं पर भी मत बैठ जाया करो, कहीं वो लाल रंग दिख जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ 4 दिन की बात है, निकल जाएगा, आखिर तुम्हें इससे कुछ तो समझ में आएगा। इस उम्र में जरा संभल के रहना है, वरना तुम्हें आगे जाके कौन समझाएगा। तो उसे 4 दिन के लिए खेलना बंद, स्कूल जाना बंद, मंदिर में जाना बंद, रसोई में जाना बंद, जो वो करना चाहती है वो सब बंद, इवन गद्दों पे बैठना बंद। और ये सब क्यों? उस लाल रंग की वजह से। वो 17 की हुई तो उसको उस लाल रंग की आदत होने लगी थी। उसके हर महीने 4 दिन से दर्द से कर्राते हुए निकलते। यहाँ उसे आदत तो थी लेकिन गुस्सा भी था, और हमेशा एक प्रश्न उसकी जबान पे रहता था कि आखिर मैं ही क्यों, ये बीमारी मुझे ही क्यों, भाई को क्यों नहीं है माँ। तो जो दादी नानी और माँ का ज्ञान था वो ऐसा था कि हमें भी तो ये परेशानी होती है, तुम अलग ही थोड़ी ना आई हो, तुम भी लड़की हो, तुम्हें इतनी शिकायतें क्यों है इस सबसे। दिसंबर के कपकपाते जाड़े में सुबह सुबह उठकर नहाती, ऐसा नहीं होता तो घर अशुद्ध हो जाता, ऐसा सिखाया था उसे। उठते ही वो लाल रंग उसकी जांघों से होकर उसके पैर तक जाता और जमीन पूरी लाल हो जाती। बस वो बेहोशी नहीं होती, खुद को समझाती कि नहीं ये सही है, सबके साथ होता है, मैं अलग नहीं हूँ। और इन सबके होते हुए भी उसकी रूह नहीं कांपती होगी ये सुनकर कि तुम 7 दिन अशुद्ध हो, तुम्हारे अंदर से अशुद्धि बाहर आ रही है। तुम किसी को छू नहीं सकती नहाए बिना, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम बाहर नहीं जा सकती, किसी लड़के से नहीं मिल सकती, इधर उधर कहीं नहीं, खेलना कूदना सब बंद। आखिर उस 13 साल की लड़की से ऐसी तो क्या गलती हो गई थी कि उसे ये जिंदगी भर सुनना पड़ता है, ऐसी तो क्या गलती हो गई थी उससे कि उसे ये कहना पड़ता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं अछूत नहीं हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मुझे अछूतों की तरह बर्ताव मत कीजिए, मेरे अंदर भी जान है, मुझे बेजान मत कीजिए। ये हर लड़की की कहानी है, इसी के होने से हम सबकी जिंदगानी है। ये लाल रंग ना हो तो किसी का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। मैं औरत हूँ इसीलिए मुझे दी गई ये जिम्मेदारी है। मैं लड़की हूँ इस सृष्टि की रचयिता, अशुद्ध नहीं हूँ, ये एक लड़की की कहानी है, ये हर एक लड़की की कहानी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस रियली सोलफुल परफॉर्मेंस, इट वॉज रियली ग्रेट, सो ट्रू।